सो हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। सो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि आप अपने माई जियो अप्लीकेशन के अंदर जो कॉल हिस्ट्री होता है उसको डिलीट कैसे कर सकते हैं। जैसे गाइस, काफ़ी सारे लोग अभी परेशान हो चुके हैं और यूट्यूब पर काफ़ी सारे लोग भी वीडियो ऐसे देखते हैं, बट गाइस आज तक कोई ऐसा यूट्यूब पर कोई भी यूट्यूबर वीडियो नहीं अपलोड किया जो बता सके कि माई जियो अप्लीकेशन के अंदर का कॉल हिस्ट्री आप कैसे डिलीट कर सकते हो। बट गाइस, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊँगा जहाँ से आप 101% आप माई जियो अप्लीकेशन का कॉल हिस्ट्री आप डिलीट कर सकते हैं। गाइज, तो सब कुछ आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। गाइज, तो वीडियो को आप थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि गाइज अगर वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप करोगे और एक भी ट्रिक अगर आपसे मिस्टेक हो जाता है तो आपको माई जियो ऐप के अंदर का जो कॉल हिस्ट्री होता है उसको डिलीट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चलिए गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर आए गए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाजू वाले बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में आ जाना है। प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पे आपको माई जियो सर्च कर लेना है। माई जियो सर्च करने के बाद अगर आपका इंस्टॉल है गाइस तो ठीक है, और अगर इंस्टॉल है यहाँ पे अगर अपडेट का ऑप्शन आता है गाइस तो पहले आपको यहाँ से अपडेट कर लेना। जो आप अब देख सकते हैं गाइस कि मेरा अपडेट है गाइस, जैसे ये इंस्टॉल कर लो या अपडेट कर लो उसके बाद आपको यहाँ से ओपन कर देना है। जैसे आप ओपन करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो जियो का एक लोगो आ जाता है, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है इंटर मोबाइल नंबर और उसके नीचे एक लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है। तो गाइज आपको जिस जियो सिम का आपको कॉल हिस्ट्री डिलीट करना है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर कर देना है और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल के इंटर पे मतलब मोबाइल नंबर डाल के आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा जो ऑटोमेटिक फिलअप ले लेगा गाइज, ठीक है। तो चलिए हम पहले मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन पे पहले क्लिक कर देते हैं। तो जैसे आप वहाँ पर मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा जो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, ठीक है। तो अब बात हम कर लेते हैं कि हम अपना कॉल हिस्ट्री अब कैसे डिलीट कर सकते हैं गाइस। तो आपको उसके लिए थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेंडिंग नाउ का जो ऑप्शन आपको मिल जाता है, जो ध्यान से देखना गाइस, ठीक है। उसके बाद उसके ठीक नीचे आपको मिल जाता है यूज डिटेल्स का ऑप्शन, आपको यहाँ पर मिल जाएगा गाइस, ठीक है। तब यूज डिटेल्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यूज डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो ऊपर एक क्रॉस का जो आपको ऑप्शन शो करेगा इस पर आपको क्रॉस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं डाटा का एक कॉल्स का एक SMS का आ जाता है ऑप्शन गाइस। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर डाटा का यहाँ पर आ जाता है कि हम किस टाइम कितना डाटा यूज किए हैं, वो टोटल डाटा का यहाँ पर हिस्ट्री आ चुका है। अब गाइस यहाँ पे जो कॉल्स का एक आपको ऑप्शन मिलता है गाइस, तो आप कॉल्स वाले पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं गाइस कि मेरा यहाँ पे जो भी कॉल हिस्ट्री होता है गाइस, टोटल कॉल हिस्ट्री यहाँ पे आ जाता है, जो देख सकते हैं गाइस कि टोटल कॉल हिस्ट्री यहाँ पे मेरा शो कर रहा है गाइस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम इसको यहाँ से अब डिलीट कैसे कर सकते हैं गाइस। तो चलिए हम यहाँ से डिलीट करने की कोशिश करते हैं। बट गाइस यहाँ से जो आप देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पे आपको कहीं भी कोई भी मतलब ये नहीं मिलेगा जहाँ से आप कॉल हिस्ट्री यहाँ से डिलीट कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो आपको सीधा यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो नीचे एक आपको एक मेनू का आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है, ठीक है। तो आपको मेनू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप मेनू वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो देख सकते हो कि यहाँ पे आ जाता है एक मतलब प्रोफाइल सेटिंग्स का एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, जो यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। मतलब नीचे आपको ठीक आपको नीचे प्रोफाइल सेटिंग्स का जो आपको ऑप्शन मिल जाता है तो आपको प्रोफाइल सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोफाइल सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे नाम आ जाएगा ऊपर, आपका सिम जिसके नाम से होगा उसका नाम आ जाएगा और उसके बाद मोबाइल नंबर आ जाएगा गाइस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको मतलब तीन ऑप्शन मिल जाता है, प्रोफाइल, लिंकेड अकाउंट एंड सपोर्ट्स का गाइस, ठीक है। तो आपको जो बीच में जो मिलता है लिंकेड अकाउंट का जो ऑप्शन आपको मिल जाता है गाइस, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस कि लोड ले रहा है, ठीक है। और लोड जैसे ही लेगा तो यहाँ पर पहले आप देख लेना कि आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर यहाँ पर शो कर रहा है कि नहीं गाइस, ठीक है, यहाँ पर देख लो। तो उसके बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आ जाता है लिंक नंबर गाइस, जो यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा एड फ्रेंड्स फैमिली लिंक नंबर गाइस, जो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है गाइस, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो गाइस कि आपका जियो नंबर जो आपका है, जो कोई भी अपने माई जियो अप्लीकेशन के अंदर आपका जियो नंबर को लिंक नहीं किया, अगर कोई लिंक की मतलब करता है गाइस तो वो आपका कॉल हिस्ट्री आसानी से खुद के फ़ोन में देख सकता है गाइस, ठीक है। अगर कोई आपका जैसे लिंक किया रहेगा गाइस तो आपको यहाँ से पता आप कर सकते हो कि मेरे कोई सिम को लिंक कोई किया है कि नहीं किया गाइस, तो यहाँ से आप उसको हटा भी सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि आप अपना कॉल हिस्ट्री कैसे डिलीट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, तो आज तक तो माई जियो अप्लीकेशन में कुछ ऐसा अपडेट नहीं आया जहां से आप माई जियो अप्लीकेशन के अंदर से कॉल हिस्ट्री डिलीट कर सकते हो। बट गाइज एक ट्रिक है जहां से आप मतलब अपना टोटल कॉल हिस्ट्री को डिलीट करवा सकते हो गाइज। वो कौन सा ट्रिक है गाइज, सब कुछ अब मैं बता देता हूं गाइज। तो उसके लिए अब आपको करना क्या पड़ेगा अपना माई जियो अप्लीकेशन कॉल हिस्ट्री को डिलीट कराने के लिए गाइज, तो एक आ जाता है जियो कस्टमर केयर का नंबर 1991 गाइज, यहाँ पर देख सकते हो गाइज 1991, और एक आ जाता है 198 गाइज, ठीक है। आप इस दोनों में से किसी भी नंबर पर आप कॉल कीजिएगा सुबह
9 बजे से लेकर शाम में 7 बजे तक आप किसी भी टाइम अगर आप कॉल करते हो तो वो कॉल रिसीव करेंगे, ठीक है। और आपको उनको बोलना है कि सर मेरा माई जियो एप्लीकेशन जो कॉल हिस्ट्री होता है उनको डिलीट कर दीजिए, ठीक है। तो वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगेंगे, किसके नाम से सिम है, मतलब डेट ऑफ बर्थ, कुछ डॉक्यूमेंट मांगेंगे जो मतलब आसानी सा डॉक्यूमेंट रहेगा आपका, आधार कार्ड के रिलेटेड और कुछ नहीं, आपका मोबाइल नंबर जो रहेगा वो मोबाइल नंबर उसको भी बता देना। जो आप जैसे उनको मतलब डॉक्यूमेंट बताओगे उसके बाद आपका 12 घंटा से लेकर 24 घंटा के अंदर में आपका माई जियो एप्लीकेशन कॉल हिस्ट्री डिलीट हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो बस गाइज आप भी इसी प्रकार से अपने माई जियो एप्लीकेशन कॉल हिस्ट्री डिलीट कर सकते हो। बट गाइज आप सोचोगे कि मैं मतलब खुद से कर लूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइज। तो बस गाइज आज की वीडियो में इतना गाइज। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए गए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। तो चलिए गाइज मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।